विशिंग एवरी वन अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर. आज धनतेरस का दिन है तो माँ लक्ष्मी का हम सब लोग वेलकम कर ही रहे और हैप्पी दिवाली अगेन टू एवरी वन. और रोनी जी की क्या बात करूँ, वो तो फैमिली की तरह हैं, तो जब भी बुलाते हैं हम हैप्पी दिवाली बोले और उनके साथ पार्टी करने आ जाते हैं. सो सिनेबस्टर और रोनी जी के साथ बहुत पुराना फैमिली रिलेशन है, सो दैट्स द रीज़न आई एम हियर टू विश एवरी वन हैप्पी दिवाली. रोनी जी इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की तरह. और सिनेबस्टर टीम, रोनी जी, सुजॉय मुखर्जी, फिल्माले स्टूडियो, मुखर्जी फैमिली की तरफ से मैं सभी को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस. सभी की उन्नति हो और सभी खुश रहे, यही मेरा संदेश है. कुछ करने वाले हो, फिल्म वगैरह? हाँ, मैंने मेरी फिल्म अभी कंप्लीट की है. फिल्म का नाम है जाने तू, और एक और फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ, अभी अनटाइटल्ड है. सो ये फीचर फिल्म है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है. रोनी जी इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन वॉट एवर आई एम डूइंग, सो ही इज पार्ट ऑफ इट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. हमारे यहाँ जितना प्रेजेंट मीडिया पर्सनैलिटी जितने हैं उनको गिफ्ट हैम्पर और जो भी कन्वेंस जो है वो पैकेट वो पदुकोण जी अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो मैं तो रहूंगा ही ना सर, वगैरह तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो हूँ ही ना सर. यहाँ पे तमाम आपके फ्रेंड विश करने के लिए आए, तमाम गेस्ट आए हैं, आपके तमाम चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना? ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली. सर एक ऑडियंस को बताइए, और हैप्पी दिवाली ऑडियंस, ऑडियंस हैप्पी दिवाली विश कम दे सर, बोल दो जी. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. रोनी जी, हर साल तो आप कुछ ना कुछ करते ही रहते, लेकिन सोशल काम में बहुत ही आगे, लेकिन दिवाली के वक्त कभी ऐसा कुछ होता है कि खास करो दिवाली में यू टेक समथिंग, कोई अपने आप को एक प्रॉमिस दे जाते कि नाउ आई विल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हर बार एक रेजोल्यूशन होता है न्यू ईयर के वक्त, दिवाली पर भी आपको ऐसा रेजोल्यूशन बना दिया ना दिस टाइम आई वांट टू डू समथिंग मोर बेटर फॉर द सोसाइटी? या ऑब्वियसली दिवाली पे व्हाई, बिकॉज़ आई एम अ पावला, बीइंग अ पावला, बट आई Pavala means kehte hain yaar, but I celebrate Diwali because I see everybody with one eye, no religious, discriminate karta hi nahi. अभी कुछ कुछ फिल्मों की भी प्लानिंग है, कुछ सोच रहे हैं कि सुना है हमने ऐसा है, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे क्या, किस तरह की पर्दे में रहना दोनों अच्छा एक शुभ अवसर है, अच्छा मौका है, यू नो आपको पता चल जाए मीडिया से कौन सी बात छुपती है, क्या बात है. अच्छा उसके लिए एक अलग से ओकेजन होगा ऑब्वियसली, क्या आज ही सब ले जाओगे तो फिर एक ऐसे कोई आपके दिल के करीब होगा यू नो, ऐसा कोई कॉज जिससे आप रियली वर्क करना चाहते, आप तो कर रहे हो बहुत सारा, लेकिन हमेशा एक एक वेरी क्लोज टू द हार्ट एक कॉज होता है जो सोसाइटी के लिए आप करना चाहते हो, क्या उस पर कुछ थोड़ा बहुत? क्या बोलूं मैं मीडिया के सामने, कुछ बोलता नहीं, जो करने का ऊपर लेता. See the person who speak, they don't do. Yeah. I do. सबसे पहले बात मैं ये कहूँगा, रोनी जी जो है, रोनी रॉड्रिक्स, आई नो हिम फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स. उनका एक टैगलाइन मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े दिल वाले शोमैन. यू नो, जो आमतौर पे जैसे अभी उन्होंने कहा कि लोग शो ऑफ करते हैं, लेकिन ये बिना दिखावा कर किए हुए लोगों को मतलब हेल्प करते हैं, जो भी मतलब वेलफेयर करते हैं, और हमेशा ही इज़ ऑलवेज एनकरेजिंग न्यू टैलेंट, एंड जहाँ तक हो सके ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिव, किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो, बट ही डज इट विदाउट मेकिंग उसका कुछ वो नहीं करते, पब्लिसिटी नहीं करते, चुपके से डिस्क्रीटली करते हैं. तो ये उनका बड़प्पन है, और आज उन्होंने जो मुझे कहा कि आपके हाथ से हम साथ में मीडिया को कुछ ऐसे टोकन आज के अवसर पे सोविनियर या जो भी किस देंगे, हाँ, तो मैं समझता हूँ इट्स अ ऑनर एंड प्रिविलेज, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है, तो इस दिन आज के दिन
जो जो भी लोग धन पाते हैं, मतलब किसी भी, मतलब इट कैन बी इन ऑफ एनी फॉर्म, तो एक बहुत बड़ा शगुन होता है। तो रॉनी सर जो है सबको ये शगुन दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, पिछले 40 साल से मैं हूँ और मैंने जैकी श्रॉफ के साथ मेरा करियर शुरू किया था 1983 में, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया, तो इट इज़ अ ऑनर एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू रॉनी सर। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा मीडिया के साथ रही है। आई हैव ऑलवेज बीन हेल्पफुल टू एवरी मीडिया पर्सन व्हेनेवर दे नीड हेल्प, मतलब जो भी गाइडेंस या जो जूनियर्स आते हैं वगैरह। तो ये और एक मतलब मेरे लिए एक अच्छी बात है धनतेरस के दिन कि ये रॉनी सर ने मुझे मौका दिया, और मैं इस मौके पर सिनेबस्टर को ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब एक पब्लिशिंग हिस्ट्री हमेशा वो बनते रहे, और जो भी उनकी जो प्लानिंग है एजेंडा में अवार्ड्स या इवेंट्स या जो भी करें, मैं तो यही कहूँगा जय हो हमेशा। और जैसे आज धनतेरस है, हमेशा इनके ऊपर देर शुड बी शॉवर ऑफ गॉडेस लक्ष्मीज ब्लेसिंग्स एंड देर शुड ऑलवेज बी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और आरआर मतलब रॉनी रॉड्रिक्स के जो भी वेंचर या इवेंट जो भी होता है हमेशा कामयाब रहे, यही मेरी शुभकामना। जो हिंदू ना होने के बावजूद भी वो भेदभाव नहीं करते हैं, और एक दिवाली का जो हिंदुओं का सन सबसे बड़ा सन है, इतने धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि उनको प्यार बांटना है, आनंद बांटना है हर जगह पे। वो हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए हर धर्म हर भगवान एक समान है, मैं किसी एक को एक के पीछे नहीं लगता, हर एक को समानता देता हूँ। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारा जो लास्ट टाइम हम लोग सब मिले थे सिनेबस्टर अवार्ड की तरफ से है, तो वो अवार्ड पोस्टपोन हो चुका है। उसका रीज़न मैं रॉनी सर को बोलूँगा कि वो रीज़न बताएं कि क्यों पोस्टपोन हुआ, और हम लोग बहुत बड़ी तरह से वो अब्रॉड ही करने जा रहे हैं, रीज़न सर बताएं। मैं अभी बता बताइए जी। एक्चुअली हुआ क्या था, हम वी वर गोइंग टू होल्ड दैट अवार्ड इन रसल खेमा इन यूएई, एवरीबडी नोज दैट, बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी सेंड देम वी वर गोइंग टू फेलिसिटेट मोस्ट ऑफ दी वेटरन एक्टर्स, यू नो, जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लाया अपने मेहनत से, इतने सालों का जो उनका हार्डवर्क है वो हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे, और हमारे रसल खेमा वालों को उनका मेडल सब कुछ भेजा था, लेकिन रसल खेमा का हमारा वापस मेल आया, हमारे पास एविडेंस है, मेल आया कि हम लोग इन लोगों को सेलिब्रेट नहीं कंसिडर करते। तो ये हम लोगों को ऐसे लगा कि ये तोहिन है, दे आर इंसल्टिंग द सेलिब्रिटीज, दे आर इंसल्टिंग द फिल्म इंडस्ट्री and they are insulting the nation itself. That's why we did not go ahead with Russell Khemma. So we are now looking out for better venue, which is going to be abroad once again, and definitely we'll be holding that. Because they have stated a thing that the list of celebrity what you have given doesn't fall under our category. So it is category, it was a biggest insult. मुझे दोहराने का नहीं था, इसने उंगली किया वापस। देखो आफ्टर ऑल इट कम्स टुवर्ड्स द नेशन आल्सो, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, सो दे आर इंडिया इंडियन, दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया, सो आफ्टर ऑल इट इज अ इंसल्ट, इट्स एन इंसल्ट टू द कंट्री ऑल्सो, कंट्री ऑल्सो। अगर वो माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो हम उधर क्यों जा रहे हैं? रोनी जी हमेशा खुशियां बांटते हैं, स्पेशल ओकेजन, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट सो वेल, और हमेशा खुशियां जैसे बांटते हैं तो हम भी इसी के लिए आए, इनकी खुशियों में शरीक होने। सो स्वीट ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, एंड ही इज लाइक फैमिली, सो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग मोर फॉर हिम, आई जस्ट विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी दिवाली। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली फ्रॉम सिनेबस्टर एंड एवरीबॉडी ऑल ऑफ यू, एंड
फॉर मी एंड एवरीबडी एल्स। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली की धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, हाँ, मैं बहुत दूर से शूटिंग से भाग के आया हूँ रॉड्रिक जी को बधाइयाँ देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। तो बहुत ट्रैफिक के बीच में फंसते हुए आया हूँ लेकिन पहुँच गया हूँ। थैंक यू मुंडे जी, धन्यवाद। मैं थैंक यू अनेकों अनेक शुभकामनाएं दिल से। दिवाली की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं, दीपावली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। मैं तो बहुत ही शॉर्ट और छोटम शब्दों में बोलूँगा कि रॉनी जी एक ऐसे इंसान हैं जो हर एक के लिए खुले दिल से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड प्लस आई विश ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी दिवाली टू रॉनी जी एंड प्रॉस्परस इन हिज बिजनेस एंड देयर प्लानिंग फॉर वट एवर इन द फ्यूचर मैगजीन एज वेल एज अवार्ड्स वट एवर दैट। And he is the one who has the one class. उनका एक क्लास है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। They welcome everyone and support everyone and very open-hearted, make friends and invite everybody. I wish all the best for Ronnie ji for happy Diwali and its future endeavor, whatever they are doing it, I am with them. आई वुड लाइक टू प्रेज रॉनी जी क्योंकि हर साल वो ऐसा प्रोग्राम करते हैं, सभी को बुलाते हैं, काफ़ी मीडिया के लोग भी यहाँ हम मिलते हैं हमेशा दिवाली के पहले विश करने के लिए। और पूरी बिल्डिंग के स्टाफ को भी वो दिवाली का मतलब गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो सबको मिल के चलते हैं, सबको लेके चलते हैं और यही उनकी खासियत है। And I wish him and his family and all the people who are here a very very happy Diwali. Diwali celebration को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप celebration कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या message देना चाहेंगे? जो I actually represent Mahila in politics and I'm ITCL, I'm the national president. So I on the, this occasion I wish everybody and especially all the Mahila of our India a very 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 happy and a prosperous Diwali. And I hope the Mahila become prosperous and independent and stand on their feet and they become empowered. That is my wish to everybody. Thank you. Nilesh Malhotra, actor, director, producer. और मैं अगेन फिर से एक बार रोनी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली and for happy Diwali to Cinebuster and all his staff and everybody. Thank you. I'm Dr. Suraina Malhotra. I'm in the party of Nationalist Congress Party. I'm the national president of All India IT Cell Mahila and also the district president of Nationalist Congress Party Mahila as well as Dr. Cell and NCP Pravakta. Thank you. That's my name. Dekhiye, Cinebuster aur Roderick saab ne jo ye function dikhaya, दिवाली मिलन कह सकते हैं इसको। और इस मिलन के साथ में मैं सबसे बड़ी बात जो आज देख रहा हूँ कि मेरी 30 साल के करियर में फिल्म लाइन के आज पहली मरतबा एक बारात देख रहा हूँ मीडिया की। और बहुत खुशी हुई कि रोनिक साहब के दिल में हम कलाकारों के अलावा मीडिया के लिए भी जो मोहब्बत है, और आज इतनी सारी मीडिया को एक जगह इकट्ठा करके उनके साथ में दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये इन्हीं का जिगरा है कि उन्होंने किया। और मैं यही कहूँगा कि फिल्म लाइन में काम करते हुए तो मुझे 30 साल हो गए, वैसे परिवार मेरा 1935 से है, मगर ये पहले ऐसे शख्स हैं कि दिवाली पे हर शख्स को अहमियत देते हैं, उनको प्यार मोहब्बत से उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। और कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप? यार गाने तो अभी सारे गाते रहते हैं मगर अब क्या गाऊं मैं इसमें से। अरे ये खबर छिपवा दो अखबार में, हर पोस्टर लगवा दो बाजार में, रोनिक रॉड्रिक्स साहब का नाम तुम छपवा दो अखबार में, तो सब छपवा दो अखबार में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी दिवाली। देखिए ऐसा है, शो बिजनेस में कुछ लोग होते हैं जिनका मोटो होता है शो मस्ट गो ऑन, करेक्ट है। होली दिवाली, एवरी डे इज अ होली दिवाली, वो क्रिएट करते हैं अपने लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। उसमें जो आज की श्रेणी में, आज की डेट में सबसे टॉप पे जो नाम है वो है रॉनी रॉड्रिक साहब। आई हैव अटेंडेड सो मेनी फंक्शंस ऑफ रॉनी साहब एंड आई मस्ट से ही इज अ न्यू शोमैन बडी, ऑलवेज हैविंग अ स्माइल ऑन हिज फेस
और मुझे लगता है कि जिस तरह के वो शोमैन हैं, ही कम्स आउट विद रियली बिग सरप्राइज, अ बिग वंडरफुल इवेंट, जिसमें वो हम सब उनकी फैमिली हैं, वी आर जस्ट लाइक फैमिली टू हिम, और जो कि उनके साथ खड़े होते हैं एंड वी आर ऑलवेज विद हिम। और आज ये धनतेरस और दिवाली का ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है, एंड मार्क्स टू हिम कि उन्होंने सारे परिवार को इकट्ठा किया है, क्योंकि कोविड के बाद में अगर कोई इस न्यू एरा में somebody has come, इट इज़ रॉनी रॉड्रिक जी। एंड आई वुड लाइक टू से अ कपलेट फॉर हिम कि खुदा इस महफिल को महफूज रखे, खुदा इस महफिल को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हस्ती बहुत है, खुदा इस महफिल को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हस्ती बहुत है, मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूँ, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। ये जो सेलिब्रेशन है, भगवान करे ये फिल्म इंडस्ट्री का सेलिब्रेशन, ये सिने बस्टर का जो सेलिब्रेशन है वो चलता रहे। एंड आई एम सो हैप्पी कि हम सब लोग, नाउ वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड राइट, एंड मुंडे जी इज ही coordinates and all of you coordinates in such a way ke it's like a family. I once a munda always a munda, a darling is a darling, to no credit, no credit goes to him ke ye sabko coordinate karte hain, दोस्तों को, प्यारों को और सबको इकट्ठे करके ले आते हैं। इट्स अ रियली वंडरफुल फीलिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आज आप सफेद कपड़ों में राजकुमार लग रहे हैं, जानी लग रहे हैं, जानी सर अब्बास मस्तान के, हां अब्बास मस्तान के, आज के दा के दो सम ब्यूटीफुल गर्ल है राजकुमार, आपने सही कहा, बाकी अब्बास मस्तान को गॉड ब्लेस। आइए आइए प्लीज। पहले तो आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरी, बहुत आगे बढ़ो और बहुत साथ दो मेरा, ताकि इनकी वजह से हम लोग चमकते हैं, तो आप लोगों का बहुत साथ मिले मुझे। और दिवाली के मौके पर मैं यही कहूँगी, जितना हो सके अपना देश के लिए, हम आर्टिस्ट की लाइन में हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, हाँ बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पे बहुत बुरा वक्त देखा है, और दिवाली पे हम लोगों ने कभी दिवाली बनाई भी नहीं है ना, सब लोग घर में थे, और बहुत एक ऐसा सैड मोमेंट्स हम लोगों ने देखा है। तो अब जो ये दिवाली हम बना रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमने साथ में बनाई और अभी भी बना रहे हैं, और ऐसे ही आगे चलता रहे, और बहुत अच्छे से हम लोग दिवाली सेलिब्रेट हर साल करते रहे। एक जमाने में हुआ करता था, राज कपूर जी के यहाँ पे फंक्शंस हुआ करते थे, होली का, दिवाली का, आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद में जब वो जब नहीं रहे, तो उसके बाद सुभाष घई साहब थे, ही वॉज अनदर फैंटास्टिक शोमैन, आई वर्क विद हिम इन हिना। उसके बाद मैंने देखा है कि देर आर सम वंडरफुल पीपल, बट ऑफकोर्स रॉनी रॉड्रिक जी इज टॉप द लिस्ट, जो एक अपनी ही स्पेस क्रिएट किए हैं, एंड इट्स रियली वंडरफुल, ये क्रेडिट गोज टू हिम कि आज हम सब लोग जैसे आप कह रही हैं कि सारी प्रेस को बुलाते हैं, कलाकारों को बुलाते हैं, बिग थैंक्स टू हिम।